फ्रेंड्स, तो ये मेरी कंटिन्यू वीडियो है, इफ्तार की है। तो मैंने आधा ही शबे बरात की वीडियो बनाई थी, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैंने नहीं की थी। तो इफ्तार का टाइम हो चुका है और मैंने साबूदाने की खिचड़ी, आलू की भजिया, समोसा और कुछ फ्रूट्स वगैरह। हम लोग इफ्तार अजान होने के 15 मिनट पहले ही लगा देते हैं, और इफ्तार 15 मिनट पहले लगा के और दुआ मांगना चाहिए। अल्लाह पाक रोज़ेदारों की दुआ सुनने वाला है और सारी दुआएँ कबूल करते हैं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आजकल कंटिन्यू वीडियो चल रही है क्योंकि शबे बारात आया, वुमेंस डे है और कुछ ना कुछ छोटे मोटे फंक्शन पड़ते जा रहे हैं। तो मैं आजकल वीडियोस कंटिन्यू करती रही। आधा लीटर दूध आया था जो फ्रीज़र में रख दी थी छोटी लिए बहन, तो पूरा देख सकते हो पूरा बर्फ़ बन गया है। तो आप भी ऐसी गलती नहीं करें, चलो ट्रे में रखें या थोड़ा सा फ्रिज का टेम्परेचर नॉर्मल करके रखें। यहाँ देखे मैं नाश्ता कर रही हूँ, एग बॉयल और चाय बटर। तो मैं ज़्यादा नाश्ता नहीं करना है मुझे, क्योंकि अभी मुझे तैयार होना है और स्कूल में जाना है, तो सारी तैयारी करके जाना और वहाँ लंच वगैरह का भी इंतज़ाम है। तो फिर मैं बस रेडी होके अब चलती हूँ। सो मैंने ये वाला आउटफिट निकाल दी हूँ, ब्लैक एंड गोल्डन। तो गोल्डन दुपट्टा है और ब्लैक पैंट और कमीज़ है। तो अभी इसको मुझे आयरन करना है, आयरन करने के बाद फिर पहनना है। अगर आपके पास हैवी दुपट्टा है तो आप सिंपल सूट सेट लगाएं, और अगर आपके पास हैवी सूट है तो आप सिंपल दुपट्टा सेट करें। इससे ना कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है और ज़्यादा खिल के आता है, ज़्यादा भद्दा भद्दा नहीं दिखता है। मैंने अपना आउटफिट पहन ली हूँ, अब चल रही हूँ थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करने, मेकअप करने। तो मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले टोनर अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, स्प्रे टोनर। मेकअप फ्रेंड्स, अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, टोनर लगाए, प्राइमर लगाए, कंसीलर लगाए, अगर सब लगाएंगे और फिर वाटरप्रूफ फिक्सर वगैरह सब लगाएंगे ना, तो मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहता है और अच्छा काफ़ी टाइम तक चलता है, ऑफ सेट वगैरह बिल्कुल नहीं होता है। मेकअप फ्रेंड्स, अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, टोनर लगाए, प्राइमर लगाए, कंसीलर लगाए, अगर सब लगाएंगे और फिर वाटरप्रूफ फिक्सर वगैरह सब लगाएंगे ना, तो मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहता है और अच्छा काफ़ी टाइम तक चलता है, ऑफ सेट वगैरह बिल्कुल नहीं होता है। मेकअप वगैरह हो गया है, मैंने पूरा टचअप कर ली हूँ और फिर बाद में लास्ट में मेकअप फिक्सर अप्लाई करके और फिर मेरा ये फाइनल पूरा आउटफिट है। और लास्ट में मैंने अबाया अपना वेयर कर ली हूँ, और सिस्टर बोल रही है कि टाइगर का खाल का अभी आपने अबाया पहना है। तो आप बताइए फ्रेंड्स, टाइगर का खाल है से कुर्ती है और जैगी वगैरह, बहुत ही टॉप अबाय वगैरह सब निकला हुआ है। तो थोड़ा फैशन है, ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं भी बस ले ली हूँ। तो आप मुझे बताइए कि ये टाइगर का खाल लग रहा है। ऐसे बहुत ज़्यादा जोकिंग वगैरह होते रहता है, तो लेट्स गो, देर ना करें। जैसे कि आप जानते हैं 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो वुमेंस डे के लिए मैंने कुछ अच्छी अच्छी औरतें के बारे में मैंने कुछ अच्छी अच्छी लाइन्स बोल रही हूँ, तो सुनिए आप। जो करे नारी का सम्मान, वही है इस जग में महान। और कौन कहता है कि औरत का कोई घर नहीं होता, सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। मुस्कुरा कर दर्द भुला कर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली शक्ति है। माँ ना होती तो प्यार का मतलब कौन समझाता, इन नन्हे नन्हे हाथों को पकड़ के चलना कौन सिखाता। नारी एक बहन है उसकी कदर करो, नारी एक भाभी है उसको सम्मान दो, और नारी एक पत्नी है उससे प्यार करो, और सबसे पहले नारी एक औरत है उसका सम्मान करो। और यही सब अच्छी बातों से आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। मैं स्कूल में पहुंच गई हूँ और देखिए पूरी यहाँ का लोकेशन, और औरतें ही औरतें हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, हैप्पी वुमेंस डे ऑल ऑफ यू। और यहाँ लंच भी मिल गया है, तो बॉक्स में देखती हूँ बॉक्स में क्या मिला है स्नैक्स का।
एग्जिबिशन लगा हुआ है, जैसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो वही है कि जंक फूड अवॉइड करने के लिए टीचर्स लोग बता रहे हैं। और फ्रूट्स खाए, ग्रीन सब्जी खाए, ज़्यादातर तो 5 साल से लेके और 10 साल के, 12 साल के, 15 साल तक के बच्चे ज़्यादा खाना अच्छा पसंद ही नहीं करते हैं। तो उसके लिए पूरा समझा रही है एक एक टीचर, और यहाँ कुछ और भी, फैमिली में कैसा रहना है, सब एग्जीबिशन। अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा इवेंट्स था।